नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ न्यूज। मैं हूं शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। अगर अपनी माँ से बात करनी है, अपने बाबा से बात करनी है, तो उसका तरीका ये है, जैसे एक नौकर अपने मालिक से बातें करता है, ऐसे ही औलाद को अपने वालिदैन से बात करना चाहिए। ये इस्लाम का तरीका है, इस्लाम का पैगाम है। जैसे एक खादिम अपने मालिक की बारगाह में बातें करता है, वैसे ही औलाद को अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस पर एक रिवायत सुनाकर के बात खत्म करूँगा। बात यह है, एक नौजवान मुल्क शाम या मुल्क यमन का था, अपनी माँ से बोला, अपने अब्बा से बोला, अब्बा जी, मैंने जिंदगी भर आपकी खिदमत की है, बाकी जो जिंदगी है अगर इजाजत है तो मैं सारी जिंदगी मदीने वाले की नौकरी में लग जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई नियामत दी जाए तो उस नियामत का अल्लाह का शुक्र अदा करो और चर्चा करो कि रब की तरफ से ये उसका कर्म है, उसका एहसान है कि उस रब के काबा ने हमें और आपको ये नियामत अता की है। ये उसका कर्म है कि उसने हमें और आपको ये तमाम दुनिया की सरजमीन पर अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। ये सबसे हमारे मस्जिद के इमाम बाबा जहाँ भी था। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज। जय हिंद, जय भारत।